Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: truth about your partner, person, he or she not telling you. ठीक है, आपके पर्सन का सच क्या है जो आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे, ऐसा ऐसा ट्रुथ जो आपको पता ही नहीं है आपके पार्टनर के बारे में. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइम बेस्ड रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी. रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. ठीक है, और स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है. कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, ये आपको समझ में खुद आ जाना चाहिए, आप लोग समझदार हैं. ठीक है, और सेकंड ये कि एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ. डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं. ठीक है, इन फ्यूचर में जाके मैंने सोचा है कि उस शॉर्ट चैनल पे मैं मतलब कि जोडियक साइन के हिसाब से आप लोगों की कुछ रीडिंग्स, अगर टाइम मैनेज हुआ तो. ठीक है, तो अपलोड करने का सोचूंगी लॉन्ग रीडिंग्स, जैसे कि जोडियक साइन की मैंने कर दी एक रीडिंग अपलोड एक दिन में या 3-4 दिन में एक कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता. ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाती मैं. और वही आपको मैंने बताया, लाइफ कितनी एक पर्सनल चीज़ें भी होती हैं इंसान की, फिर काम भी होते हैं और उन सबको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो सोचा है मैंने. ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं जोडियक साइन के हिसाब से, कि जोडियक साइन के हवाले से, कि जैसे कि आप लोग के जोडियक साइन पे के लव रीडिंग डालूँ. ज़्यादा लंबी नहीं डालूँगी, छोटी रीडिंग डालूँगी, लेकिन सोचा है कि लॉन्ग रीडिंग्स में वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट के चैनल पे जोडियक साइन के हिसाब से कुछ रीडिंग्स अपलोड करूँ. वो वैसे बात की बात है. ठीक है, ऐसा सिर्फ सोचा है, अभी कुछ भी करने का नहीं सोचा, क्योंकि अभी जो मैंने अभी अपने सर पे लिया हुआ है ना काम, वही मुझसे हैंडल हो जाए, मैनेज हो जाए, वही बड़ी बात है. ठीक है, चलें. ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. ट्रुथ अबाउट योर पर्सन. ठीक है, ही और शी नॉट टेलिंग यू, ऐसा ट्रुथ जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया. लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर. अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने पर्सन को सोचें आप. ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचें आप. थिंक अबाउट योर पर्सन. मेरे व्यूवर के पर्सन का ट्रुथ जो मेरे व्यूवर ने अपने पर्सन को नहीं बताया. ठीक है, नॉट टेलिंग यू, आपके पार्टनर का ऐसा सच जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया हुआ. ओके, आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है, आपके पर्सन का सच क्या है जो आपको अब तक नहीं पता. जिस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं उस पर्सन को माइंड में रखें. मेरे व्यूवर के पर्सन का ट्रुथ जो मेरे व्यूवर को नहीं पता, मेरे व्यूवर के पर्सन का ट्रुथ जो मेरे व्यूवर को नहीं पता. सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स. ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन का जो माइंड सेट है वो काफ़ी सक्सेसफुल वाला है. ठीक है, ये पर्सन जिस जगह जाता है अपनी सक्सेस चाहता है. ठीक है, आपके पार्टनर ने पास्ट एक जो आप लोग का रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने फाइनेंशियल सक्सेस की वजह से आपका रिश्ता काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, आपके पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ की वजह से. शायद आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले तक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. ठीक है, वो जहाँ थे वहाँ उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो मिसिंग है. आपके पर्सन पिछले कुछ टाइम से आपसे अपनी लाइफ के बारे में हाइड करते आ रहे हैं. ठीक है, ये पर्सन एक रिस्क टेकिंग नहीं कर पा रहा, ये पर्सन एक फाइनेंशियली वेल फील नहीं कर पा रहा, ये पर्सन आपसे ये सारी बातें मतलब के हाइड करता है. ठीक है, जो आपके पर्सन हैं इन्होंने आपको एक डिफेंसिव दिखाया है, बिल्कुल एक डिफेंसिव फेस दिखाया है. ये पर्सन आपसे कुछ टाइम से बातें हाइड करता है, अपने खास तौर पर अपने फाइनेंशियल हवाले से. ठीक है, ये होल्ड करता है आपको, अपनी बातें बताता नहीं है. कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं, आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकल सके हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एक बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ अचीव करा है. आपके पर्सन की एक फाइनेंशियल लाइफ में टफ टाइम ख़त्म हुआ है. ठीक है, जॉब मिली है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है. अगर आपके पर्सन पास्ट में डिफेंसिव रहे हैं,
अगर आपसे जैसे कि रिश्ता एक आसान बेस पे स्टार्ट हुआ, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, और एक सडन वे में जाके जब आप इस पर्सन के साथ सीरियस होने लगे, पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, वो वेल नहीं थी, वो स्टेबल नहीं थी, वो बैलेंस नहीं थी। आपके पर्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी सी लैक कर रही थी। आपके पर्सन को ऐसा लग नहीं रहा था कि आपके पार्टनर रिश्ता भी चला सकेंगे और अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को भी, अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। आपके पर्सन एक लीडरशिप क्वालिटीज के मालिक है, मतलब कि काफ़ी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को इतना पता है उनको जो चाहिए वो अचीव करेंगे। वो एक साथ दो चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते, खासतौर पर एक रिश्ते को, ठीक है, एक रिलेशनशिप को। उनको ऐसा लगता है रिलेशनशिप डिमांडिंग होते हैं। आपके पर्सन के थॉट्स में आपके पार्टनर को ऐसा डर था कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल डिमांड करने लग जाएगा मैरिज, ठीक है। चलें और देखते हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स है और क्या क्या हमें क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ डिफेंसिव रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये पास्ट में आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे थे, किसी रेस में थे आपके पर्सन, जैसे कि अपनी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते थे। इस दुनिया की दौड़ में उन्होंने कदम रखा था। चाहे ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की एजुकेशन एंड हो के आपके पर्सन जॉब कैरियर ढूंढ रहे हो, क्या फील्ड में उनको काम मिलेगा। एक ऐसा हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रगल आपके पर्सन का एक कैरियर स्टार्ट होने में हुई है, ठीक है। ये पर्सन अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा जैसे कि विशेष लेकर जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक न्यू स्टार्ट कर रहा था अपने कैरियर को लेकर, एक बिगनिंग कर रहा था, इसलिए ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में एक प्रॉब्लम जो बना, आपके पर्सन को गोल्स अचीव करने थे, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक जगह पहुंचना था, ठीक है। पर्सन मतलब कि इस पर्सन की बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल या तो एजुकेशन वाइज इसके पास डिग्रीज हो सकती है, ये किसी चीज़ के एग्जाम्स दे रहा था, ठीक है, या तो एग्जाम्स देकर फारिग हुआ था जब ये आपसे मिला, या आप लोग की कम्युनिकेशन हुई, आप लोग की बातचीत हुई, जब आप लोग फ्रेंड बने, तो ये इसकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू हुई भी थी, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा इसको एक चीज़ को लेकर इसको सीरियस होना पड़ेगा, इसका फोकस, इसका स्टार्ट, इसका एक स्टार्टअप, इसका फाइनेंसिस को लेकर इसका जुनून बहुत एक अपर लेवल का था। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर सेट करना था इसके ऊपर, इस चीज़ का जुनून था, मतलब कि जो चीज़ सोच ली और उस चीज़ को अचीव करना, ठीक है। जैसे कि सन, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके पर्सन अपने कैरियर में लगाना चाह रहे थे। ये पर्सन आपसे डिफेंसिव रहा है, ठीक है, अपने कैरियर को, अपने सब को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबल और बैलेंस, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को बहुत टाइम नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है, जब ये आपके साथ था, जब ये जॉब्स ढूंढ रहा था या कैरियर को सर्च कर रहा था, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को सेट कर रहा था, तो कई बार इसने बहुत ज़्यादा एक नाकामियों का सामना देखा है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस टाइम देखा है, ठीक है। तो एक डिफेंसिवनेस जो है ना, इसको एक फाइनेंशियली वीकनेस इसको और डिफेंसिव कर रही थी, रिश्तों से, रिलेशनशिप से, इसको वो सब कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है, इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। हार्डवर्किंग है आपके पार्टनर, ठीक है, एक हार्डवर्किंग पर्सनैलिटी है ये पर्सन। ओके, ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन का और ट्रुथ क्या रहा है, ठीक है, जो आपको नहीं पता। आप इस पर्सन से वेल थे या आप इस पर्सन से बेहतर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्शन थी, ये ट्रुथ है। अगर आपके पर्सन आपको डिनाई करके उस टाइम पे आपको छोड़कर गए थे, आपको डायरेक्टली आपके पर्सन ने रीजन ऐसा दिया था कि ये पर्सन आपके साथ एक टू ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप एक जबरदस्त किस्म के इंसान है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, या तो ये पर्सन हर्मिट, ठीक है। इस पर्सन को वो अट्रैक्शन, वो अर्ज, वो स्पार्क फील हुआ था कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन सकता है, लेकिन ये पर्सन मजबूर था। खाली रिश्ता मतलब कि एक मेच्योर पर्सनैलिटी लग रहा है, खाली रिश्ता बनाकर ये रख नहीं सकता था, उसको चढ़ाने के लिए। जैसे कि आजकल का रिलेशनशिप आपको पता है किस तरीके के चलते हैं, एक मतलब कि पैसा होना जरूरी है रिश्ते को चलाने के लिए। खाली आजकल मैरिज करके आपको रिश्ता चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको अपनी फैमिली रन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आप रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो आपको मेल हो या फीमेल, मनी चाहिए, ठीक है।
अर्निंग होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सामने वाला आप मुंह देख रहा, अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? तो वो एक डिसअपॉइंट करती है वो सब चीज़ें इंसान को। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन फाइनेंशियली मुझे वीक नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बैकग्राउंड आपके पार्टनर का डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली पर्सन कोई स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था, बैकग्राउंड इस पर्सन का ठीक नहीं था, ठीक है? ये डिस्टर्ब था वैसे ही, और आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्शन फील हुई है, लेकिन ये पर्सन एक हर्मिट की एनर्जी में चला गया। इसने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ कर एक प्रैक्टिकल इस पर्सन ने डिसीजन लिया है यहाँ पर आपसे, जैसे कि आपको आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा लव लाइफ में किया। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, आपके अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते को मना करके गए हैं या इस रिश्ते को आपके पर्सन डिनाई करके गए हैं, कोई सडन कन्वर्जेशन में आप लोग का ब्रेक आया था, ठीक है? इस टू ऑफ कप्स, आपको जब लग रहा था ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, आप लोग क्लोज आ रहे हैं, आप लोग का रिश्ता एक बेहतरीन कनेक्शन बन सकता है, एक सडन टावर मोमेंट हुआ। एट की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि एट एट की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, ये ब्रेकअप आप लोग का अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है? कहीं अगस्त मंथ हो सकता है, आप लोग की सडन एक ब्रेक हो गई कम्युनिकेशन होना। आप क्योंकि इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था, स्टेबल फैमिली, स्टेबल कमिटमेंट। इस पर्सन को लग रहा था आप कुछ टाइम बाद मैरिज और कमिटमेंट को डिमांड करेंगे, ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन ने आपको फैमिली का बहाना दिया, स्टेबिलिटी का बहाना दिया, कुछ भी दिया हो, ठीक है? फैमिली नहीं मानेगी या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है। इस पर्सन ने आपके साथ जानबूझकर चीज़ों को ब्रेक किया, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, वो गोल्स चाहिए जो ये अचीव करना चाहता है, तो उसको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, एक चीज़ को फोकस बनाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल आपके, आप जहाँ हैं, जैसे कि आपको जो माइंड है, आपके पार्टनर का भी वो माइंड बनाता है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया हो, इस पर्सन का ही एक आपकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप ज़्यादा हो बनिस्बत आपके, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ब्रेक हुई कन्वर्जेशन, मतलब कि सडन ब्रेक हुई है, सडन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ है, कम्युनिकेशन होते होते ख़त्म हुई है। आपके पर्सन ने आपको रीज़न फैमिली दिया हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया हो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रीज़न था। आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर ये किया था, आप ये मत सोचें कि ये अचानक हुआ था। आपके पर्सन ने जैसे कि प्रिपेयर होकर किया था ये सब कुछ, के आपके पर्सन बहुत टाइम से सोच रहे थे, उनको पता था कि उनको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी करना चाहते थे। उनको पता था कि आगे जाके आपके साथ रिश्ता अच्छा भी हो गया तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या तो इस पर्सन की फैमिली नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। पर्सन वैसे ही जैसे कि होते ना कैरियर ओरिएंटेड, अच्छी लाइफ पसंद करना, लग्जरी लाइफ पसंद करना, एक ख्वाब आंखों में इस पर्सन के पहले ही सजे हुए थे, ठीक है? मतलब कि गोल ओरिएंटेड, ये पर्सन एक गोल ओरिएंटेड पर्सन था। और ऐसा जैसे कि ये पर्सन एक सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकता है, बचपन से अपने लिए एक मतलब कि स्ट्रगल रही है अपने आप को बिल्ड करने की, अपनी एजुकेशन पे काम करना, अपने सेल्फ पे काम करना, अपनी लाइफ पे काम करना, फिर जॉब का टाइम आया जॉब के लिए। मतलब कि पर्सन ऐसा हो सकता है कि एक किसने एक एक होता है ना, फादर हेल्प करते हैं, एक मदर हेल्प करती है, सपोर्टिंग सपोर्टिव फैमिली होती, नहीं, इसकी स्ट्रगल इसकी लाइफ में बहुत टफ रही है, ठीक है? अपनी लाइफ में तो एजुकेशन टाइम से, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से, तो ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग रहा है। ओके, ठीक है। ट्रुथ, और क्या ट्रुथ है आपके पर्सन का? ये पर्सन सोच समझ कर आपको छोड़कर गया था। यहाँ पे एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको अपनी डायरेक्ट मदर का इशू दिया हो, ठीक है? मदर एग्री नहीं करेंगी आप लोग के बीच, आपका आपका ऑफर आपके पार्टनर ने रिजेक्ट किया है, ठीक है? मदर एग्री नहीं करेंगी, आप बहुत इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, आप इस रिश्ते को पूरे दिल और जान से निभाना चाहते थे। कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस इस पर्सन ने इसको बहुत बड़ा, इसने एक मेजर इसने बना दिया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे बीच डिफरेंट है और इसके बाद चीज़ें नहीं बन सकेंगी, मतलब कि इससे पहले कि बात में कुछ ना बन सके और यहाँ पर ऐसी अट्रैक्शन हमारे बीच आ रही है, तो हम पहले ही इसको ख़त्म कर दें, ठीक है? आपके पार्टनर ने आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कन्वर्जेशन ब्रेक कर लिया, ठीक है? एक सडन आप लोग के बीच अक्टूबर में बिल्कुल ब्रेकअप हुआ है, या तो अगस्त में ब्रेकअप हुआ है, कुछ ऐसा ब्रेकअप सीन हुआ है जो बहुत एक सडन हुआ था, जैसे ब्लॉकेजेस आ जाना, एक डायरेक्टली फैमिली या मदर का रीजन देके और आपसे कन्वर्सेशन को बिल्कुल ब्रेक कर देना, या रिलीजियस कास्ट कल्चर का एक रीजन देके, उसके पीछे आपके पर्सन का एक ब्राइट फ्यूचर था। आपके पार्टनर के फ्रेंड ने या तो लोगों ने आपके पर्सन को इस तरीके से एडवाइस किया। रिलेशनशिप जब भी अच्छा लगता है, जब आपका एक कैरियर होता है, जब आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, आपके पास एक अच्छी अर्निंग होती है, आपके पास अच्छा जॉब या बिजनेस होती है, तो आपके पर्सन ने बहुत सोचा समझा और चीज को ब्रेक कर दिया अपनी लाइफ में, ठीक है? क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस,
आप मुझे काफी इमोशनल, काफी केयरिंग, काफी नर्चरिंग, काफी आपके माइंड में सिर्फ एक ख्वाब था, एक एक्सपेंशन लाना इस इंसान के साथ। आप कुछ नहीं सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, आप सोच रहे थे बस आपको इस रिश्ते में ये रिश्ता चाहिए। देखिए ठीक है, ये पर्सन आप से वॉक अवे करके गया और आप यहाँ पर इस रिश्ते में, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सब कुछ मिल गया, ये इस पर्सन के पास कुछ था या नहीं था, आपको इससे एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन फील हुआ बहुत ज़्यादा, एक सोल आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपको आपका एक सोल काउंटर पार्ट मिल गया या आपको आपका स्पाउस मिल गया। ठीक है, आपको ऐसा वो पर्सन मिल गया जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके लिए बना है, ये वो वाली एक फीलिंग्स, वो वाली वाइब थी। आप यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड ऑफर दे रहे थे, जहाँ आप इससे मैरिज और कमिटमेंट की बात कर रहे थे वहाँ ये पर्सन आपको लेट गो करके छोड़ कर गया। ठीक है, वहाँ एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ क्योंकि ये रिश्ता आपको ट्रांसफॉर्म करना था। ठीक है, इस रिश्ते ने आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म करना था, शायद आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या बहुत ज़्यादा एक अंधा एतमाद करना या हद से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा था जिसको चेंज करने आया था, आपके सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने। आपने इसको जहाँ बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड, आपने मतलब के फ्यूचर भी क्लियर कर दिया इस पर्सन के सामने, आने वाले टाइम में हम मैरिज या कमिटमेंट करेंगे, आपने इस तरीके से इस पर्सन को कन्विंस करा, ये पर्सन और शॉक्ड हो गया कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, या तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में अभी खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ मैं मैरिज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एक बैकग्राउंड एक सेट चल रहा है। बैकग्राउंड में ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपनी एजुकेशन के लिए, फिर अपनी जॉब के लिए, आप बिजनेस के लिए, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसने तो फौरन आपके तरफ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा, अपने आप को डिसकनेक्ट करा। ठीक है, इसने आपको मतलब कि आपको छोड़कर चला गया, ये कम्प्लीटली आपके इस ऑफर को सुनते, आपकी इस माइंड सेट को सुनते ही कि आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, इससे तो बोला कि भाई ये चीज़ को क्लोज करो या आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के लिए डिस्टर्ब होगी। वहीं आप इस पर्सन के लिए काफ़ी कैंपस की तरह, आप इसकी केयर, आपको आप हील करना, आप इसके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े होने के लिए तैयार थे। आप काफ़ी, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था एक सोल बॉन्ड, एक अवेकनिंग हुई थी आपको, जैसे कि आपको लगा कि आपका आपको सोल काउंटर पार्ट या आपको आपका स्पाउस या आपको आपका मैरिज पार्टनर मिल गया। ठीक है, आप इतना क्लियर थे इसके लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, एज अ लवर, एक सोल बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको इस पर्सन से, लेकिन आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर डिफरेंस रहा है। ठीक है, इसने आपको मदर का इशू बताया है, फैमिली का इशू बताया है, एज कास्ट कल्चर डिफरेंसेस रहे हैं, ये सब इशूज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक अवेकनिंग, आपको इसको लेकर कुछ पास्ट लाइफ करेक्शन हो सकता है, आपको ऐसा फील हुआ। ठीक है, कुछ जैसे कि एक इपिफनी होना, कि जैसे एक गहरी नींद से जागना, मैं कहाँ लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा था या मैं कहाँ के लोगों को चेस कर रहा था, आपके इसके इससे पहले कोई रिश्ते रहे हैं या तो आपके कहीं अट्रैक्शन हुई है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट लव तो था नहीं, जैसे कि आप एक नींद से जागे, आपने पीछे की सारी चीज़ों को एक वैनिश, एक रिमूव करा और आपने इस पर्सन को सब कुछ मान लिया, आपने मतलब भाई यही मेरा एक पार्टनर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको रिजेक्शन मिली। ठीक है, आपके पार्टनर बिल्कुल शॉक हो गए, आप क्या बोल रही हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो हाँ बिल्कुल, ये पर्सन आपके साथ एक टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को आपने काफ़ी अट्रैक्शन हुई थी, एज अ लुक, एज अ वाइब्रेशन। ठीक है, एक एज अ मतलब कि मेंटल पीस, एक बैलेंस पार्टनर को लेकर आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, कि काफ़ी एक पैशनेटिव एक अट्रैक्शन आपके पर्सन को फील हुई थी, आपके जैसी नहीं थी, आपकी जितनी नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन आपको लवर वाली हुई, सोल बॉन्ड, और आपके पर्सन को हुई थी कि एक अट्रैक्शन, जैसे कि पैशनेटिव अट्रैक्शन, काफ़ी लुक्स आपकी बहुत क्यूट और इनोसेंट, या तो काफ़ी एक बोल्ड किस्म की, या बहुत ज़बरदस्त, आपके पर्सन को जैसा ही पसंद हो, लेकिन आपके पर्सन को एक स्पार्क दिखा था, एक अट्रैक्शन दिखी थी आपके अंदर, आपके पर्सन अट्रैक्टिव थे, इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सब कुछ आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझ रहे थे आप किस लेवल पे जाके इस पर्सन से कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, एक सोल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में जब आया, जब आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज थे अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या चूज़ करें क्या नहीं, आपकी पर्सन की लाइफ का, ज़िंदगी का एक स्टार्टअप था। ठीक है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अपने काम को, अपने कैरियर को लेकर, आपके पार्टनर एक अपनी ज़िंदगी में एक पीस को सर्च कर रहे थे, आपके पर्सन को एक मतलब कि मतलब ऐसा लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, शायद आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल फेज से गुजरे हो, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत कुछ करना था आपके पार्टनर को उस टाइम अपनी लाइफ में, बहुत सी चॉइसेस पड़ी हुई थी, स्टडी मतलब कि स्टूडेंट थे तो स्टडी एंड हुई थी, फिर या तो जॉब कैरियर क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, कहाँ जॉब करनी क्या करना है, आपके पार्टनर आप जो यहाँ पर सब इस साइड सोच रहे थे, आपके पर्सन को अपने फ्यूचर को लेकर फिक्र थी, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को बदलना था,
अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने आप को किसी मुकाम या किसी किसी काबिल बनाना था, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, और वहाँ से वो सपोर्ट भी नहीं थी, तो सारी स्ट्रगल खुद की अकेली थी। ये इस पर्सन ने आपसे इसलिए एक डिस्टेंस क्रिएट करा, ठीक है। क्लैरिफाई, सेवन ऑफ कप्स, ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, काफ़ी इमोशनल कंफ्यूज पर्सन, ठीक है। आपने इसकी फाइनेंशियली किसी तरीके से हेल्प भी की हो सकती है उस दौरान, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने इसको दिया हो सकता है। ये पर्सन किसी हीलिंग फेज से भी गुजर रहा था। ये पर्सन, मैंने कहा ना, काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस और नेगेटिविटी। इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ एंड हुआ था, कुछ कर्मा, मतलब कि कोई 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 फाइट एंड हुई थी, कोई कोई मतलब कि इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ था और कहीं किसी एंडिंग से गुजर रहा था ये पर्सन। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा था, ठीक है। ये किसी सैडनेस में था जब आपसे मिला, आपने बहुत हील करने की कोशिश करी, इसको सपोर्ट, इसको इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन थे आप, ठीक है। आपके पर्सन ने कभी आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया हुआ था, जब आप अपने पार्टनर की लाइफ में कनेक्ट हुए तो एक मैनिफेस्टेशन थे आप, ठीक है, जब यहाँ पर हुआ जो सब कुछ कनेक्शन हुआ। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नंबर 7 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 6 भी इम्पॉर्टेंट है। तो कन्फ्यूजन थी, आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, ऐसा हो सकता है कोई ब्रेकअप, कोई मेजर ब्रेकअप आपके पार्टनर की लाइफ में रहा हो जिससे आपके पर्सन बाहर आ रहे थे, ठीक है, उनको हीलिंग की नीड थी, आपकी सपोर्ट अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये पर्सन जैसे कि वो मज़ा चख चुका था रिलेशनशिप का, ठीक है। इस पर्सन को एट दी एंड वर्थ समझ में आ चुकी थी, एट दी एंड पैसों की वर्थ क्या होती है, ठीक है। रिलेशनशिप जब चल पाते हैं जब आपकी जेब में अच्छे पैसे होते हैं, तो कुछ फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है आपके पार्टनर के माइंड पे। आपके पर्सन को ट्रिगर किया गया है, ठीक है, जैसे कि कमियाँ बताई गई पास्ट कभी कनेक्शन में, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन देखी। इस पर्सन को हीलिंग की नीड थी जब आप इस पर्सन को मिले, और आप इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन जैसे प्रेयर करना कि मुझे मेरा पार्टनर ऐसा चाहिए, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ को नहीं देख रहे थे, इसके कैरियर को नहीं देख रहे थे, आप फिर भी इससे कनेक्ट होना चाह रहे थे। दी हैरो फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस या एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच कोई ना कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, और एक पर्सन यहाँ पर जैसे कि स्पिरिचुअल साइड को समझने को तैयार नहीं था, या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो यहाँ पर आगे जाके सब सॉल्व हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आप ये दुनियावी बातें, मतलब कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो आगे जाके दुनिया इस चीज़ को काउंट नहीं करेगी, ठीक है। प्यार व्यार इस लाइफ में आपके पर्सन कोई प्यार में कोई दुख या स्ट्रेस उठाए हुए थे, आपके पर्सन प्रैक्टिकल माइंड सेट में थे, आपके पर्सन को अपने अपने आप को मतलब के प्रूव करना था अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, तो आपके पर्सन उस जुनून में आपको मिले हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई हायरोफेंट, मुझे ये इंसान बुरा नहीं लग रहा है, इसके सर्कमस्टेंसेस बहुत बुरे थे, ठीक है। ये पर्सन एक हर्ट, ये पर्सन एक डिस्टर्ब सिचुएशन से आ रहा था। इस पर्सन का जैसे कि कहीं ना कहीं बेहद एक हार्ट ब्रोकन था, ये पर्सन कहीं से किसी टॉक्सिक सिचुएशन से इसने एक लीप ऑफ फेथ लिया था, अपने आप को कम्प्लीटली वहाँ से इसको निकालना था। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब था, हार्ट ब्रोकन था, ठीक है, पेनफुल एनर्जी में था। इस पर्सन को सक्सेसफुली इस पेन से बाहर निकलना था, और आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, इस पर्सन की साइन एरीज हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर फिर मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, 6 भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या तो आपका 3 कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है, 6 आपका कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है, 4 आपका कनेक्ट हो सकता है। आपके पार्टनर को सक्सेसफुली उस हार्ट ब्रेक से आपने निकलने में बहुत हेल्प करी, जब आपने इसको चेज करा है, या जब आपने इसको एक केयरिंग करी है, आपने जो इसका केयर मदरली जैसे जो आपने इसको नर्चर करा है, केयरिंग करी है, इसको समझा, इसको अंडरस्टैंड किया है, इसको उस डर से बाहर निकाला है। लेकिन आपके पर्सन आपका साथ इसलिए नहीं देना चाह रहे थे, आपके पार्टनर को वैल्यू पता थी कि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आप दोनों के इसमें भी आएगी, और आपके पर्सन जैसे कि डर चुके थे रिश्तों में आना, इमोशनली ओपन अप होना, इमोशनली कनेक्ट होना। आपके पार्टनर को उस चीज़ से डर लगता था, ठीक है, डर लग रहा था कि आपके पर्सन बस हीलिंग चाह रहे थे, पीस चाह रहे थे, और आपसे अच्छी दोस्ती चाह रहे थे, और आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे थे, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक जैसे कि एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन। और ट्रुथ, आपने आपके पार्टनर को हील करा, आप लोग के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया, टाइम टू टाइम एक डिस्टेंस आता गया, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता गया। आपके पर्सन ने आपसे ना कुछ आगे बढ़ाने का कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, उस टाइम तक तो आपके पर्सन बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं ले सके
क्योंकि आपके पर्सन काफी आपको स्ट्रबल लगते होंगे, काफी टॉक्सिक लगते होंगे, काफी एक जैसे कि अपने तरीके से इंसान लेकर चलना चाहता है हर चीज। बिल्कुल, मुझे मैस्कुलिन एनर्जी आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा लग रही है। आप लोग का रिश्ता बहुत टाइम तक एक डिस्टेंस पे ही रहा है। ये पर्सन सिंगल रहा, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर ग्रो करता रहा, काफी अट्रैक्टिव, आपकी अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ बहुत रही, और आपके पार्टनर की भी अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत रही है। लेकिन आपके पर्सन ने ध्यान उस अट्रैक्शन को इसलिए नहीं दिया। आपके पर्सन एक तो इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाह रहे थे, एक सेकंड ये कि आपके पर्सन को लग रहा था कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना है, खुद को फाइनेंशियली बैलेंस और स्टेबल करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपनी फैमिली को, एक सोसाइटी को, अपने अपने माशरे को। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी पास रिश्ते में इसलिए हारे थे, किसी पास रिश्ते में इसलिए ट्रिगर हुए थे, किसी ने इनके ऊपर जैसे कि नुक्स निकालना, किसी ने उनको जैसे कि बताया था कि तुम में ये कमी है। ठीक है, उनको उनको किसी ने जो है ना बहुत ज्यादा जैसे कि जज किया था, एक जजमेंटल माइंड से आपके पार्टनर डरते हैं। ठीक है, किसी के सामने जज होने से डरते हैं, तो आपके पार्टनर को अपनी परफेक्शन पे वर्क करना था, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको आपकी परफेक्शन पे वर्क जरूर कराया है। ठीक है, इसकी जैसी पर्सनैलिटी है, काफी मैस्कुलाइन एनर्जी है, और काफी एक मतलब कि डेयरिंग सी इसकी पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा, और एक तो मतलब कि सक्सेस, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर है। इसने अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए सब कुछ किया। ओके, आपके पार्टनर का ट्रुथ, राइट नाउ ये पर्सन अगर अभी आपको कुछ मैसेज देना चाहे तो वो क्या देना चाहेगा? आपके पर्सन इस वक्त आपको कोई कुछ कहना चाहे तो वो अभी क्या कहना चाहेंगे? मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर को अगर इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं, ये पर्सन एक मैजिशियन की तरह है, काफी ये मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ अपनी लाइफ में। आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है आपके जिंदगी में। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, उसके बाद बहुत कुछ बदला। ये आपके लिए एस ऑफ कप्स, ये आपके लिए एक अनकंडीशनल लव में है। ठीक है, ये अगर आपकी लाइफ में है तो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, और आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आना चाहता है, पीसफुल सिचुएशन को अचीव करना चाहता है। ठीक है, क्वीन ऑफ फैंस, ये अगर खुद किंग ऑफ फैंस है तो आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन, पैशन फील कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ कम और एक तरफ मूव करना चाहता है, आपके साथ एक इमोशनल स्ट्रांग बॉन्ड फील कर रहा है। आपके साथ टेन ऑफ कप्स इसका ड्रीम है। ठीक है, एक मैरिज कमिटमेंट इसका ड्रीम है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल इसकी लाइफ से खत्म हुआ है, इसका कोई स्ट्रेस का टाइम खत्म हुआ है, इसने जो अचीव करना था, इसने जो चाहना था, इसको जो चाहिए था वो लाइफ में मिल चुका है, ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है। राइट नाउ आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव में है। ठीक है, बीच की स्टोरी क्या रही वो आपको पता होगी, लेकिन आपके पर्सन का एक मैंने ट्रुथ बताया है कि पीछे बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर चल क्या रहा था। ये पर्सन बहुत टाइम तक सिंगल और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में ग्रो करता रहा, आप इस पर्सन का इंतजार करते रहे, ये कुछ डिसाइड करेगा और आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं लिया। शायद अभी भी ये पर्सन जैसे कि आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको कुछ एक ये वाला कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाह रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।